और वहीं पश्चिम बंगाल में एक और एनआईए टीम पर हमले को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दूसरी ओर ममता बनर्जी के दंगे वाले बयान को लेकर भी हंगामा बढ़ चुका है। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी तो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया, पलटवार किया कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहले से दंगे के बारे में कैसे पता। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान को पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण वाली सियासत से जोड़ा है। लोकसभा के चुनावी समर में तीखे बयानों का दौर चल रहा है। रैलियों, चुनाव प्रचार के बीच, पक्ष विपक्ष के बीच हमला तेज हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे और पहले चरण के प्रचार युद्ध के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने 17 अप्रैल को रामनवमी का जिक्र करते हुए दंगों को लेकर चेतावनी दी। रामनवमी पर दंगा होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। কোন দঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? অন্নপূর্ণা পূজা আছে 15 তারিখ, আমরা সবাই করি যে পারে। অন্নপূর্ণা মা তো দঙ্গা করতে বলেনি। 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। মমতা ব্যানার্জি কা বয়ান সামনে আতে হি বিজেপি নে হামলো কি বোছার কর দি। পুছা, আখির কেসে মমতা ব্যানার্জি কো পহলে হি দঙ্গো কা পতা চল জাতা হে? ক্যা এসে বয়ানো কা মমতা ব্যানার্জি কি তুষ্টিকরণ ওয়ালি সিয়াসত সে নাতা হে? মমতা ব্যানার্জি তুষ্টিকরণ কা রাজনীতি কিয়া আর উসকো অভি ভরসা হে, 30% ভোট কা রাজনীতি কা ভরসা হে। लेकिन इस टाइम में मुझे लगता नहीं है कि 30% वोट का भरोसा वो नहीं कर पाएंगे। इसमें मुसलमान वोट भी उनका तोड़ रहा है, तो 30% वोट पूरा मतलब कंफर्म करने के लिए इन्होंने ये मतलब कुछ प्लानिंग किया। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है और ऐसे बयानों के बाद वो बीजेपी के नेताओं के निशाने पर आ गई है। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल में एक तुष्टिकरण नीति के तहत वहां सनातनियों को परेशान करते हैं और इसका मतलब वो कह रही हैं कि दंगा उन्हीं के इशारे पर होता है, इसीलिए ऐसी बातें कह रही हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी इस पर बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में सूबे में सियासी तनातनी बढ़ी हुई है और ममता बनर्जी के नए बयान पर सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। कोलकाता से सुरेगन रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर जांच एजेंसियों को लेकर घमासान है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से एनआईए की टीम पर हमला हुआ। मिदनापुर में जांच के लिए गई टीम भीड़ के हत्या चढ़ी, जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडों से हमला किया गया। हमले में एक अधिकारी जख्मी हुए, लेकिन टीम 2 आरोपियों को पकड़ने में कामयाब भी रही। जांच एजेंसी पर हुए इस हमले के बाद अब बंगाल में नई राजनीतिक लड़ाई छिड़ चुकी है। गाड़ियों के टूटे शीशे, सुरक्षाकर्मियों का जबरदस्त विरोध, महिलाओं का प्रदर्शन और इलाके में फैली टेंशन। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ईस्ट की ये तस्वीरें फिर से सूबे के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि एक बार फिर बंगाल में जांच एजेंसी भीड़ का निशाना बनी है। बताया जा रहा है कि मिदनापुर ईस्ट की भूपति नगर इलाके में एनआईए की टीम साल 2022 में हुए बम धमाके की जाँच के लिए पहुंची थी। खबर लगती है एनआईए टीम के सामने लोग लाठी डंडे लेकर भर गए। एनआईए ने जब आरोपियों को ले जाने की कोशिश की तो पहले विरोध शुरू हुआ, फिर उग्र भीड़ ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। वहां पर जब एनआईए के लोग गए 2 लोगों को हिरासत में लेने, जो बार बार समन दिए जाने के बाद भी नहीं आ रहे थे, जैसे उनको हिरासत में लिया,
100 से 150 ग्रामवासी लाठी भाला सब लेके उतर आए और एनआईए के अधिकारियों को रक्त रंजित कर दिया। हमले में एनआईए का एक अधिकारी घायल हुआ। हालांकि टीम ने बम धमाके के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मेदिनीपुर ईस्ट की घटना ठीक वैसी ही है जैसे इसी साल 5 जनवरी को साउथ 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुई थी, जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापा मारने पहुंची ईडी की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया था और इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सियासी हंगामा हुआ था। ये वही दृश्य हुआ जो कि कुछ हफ्ते पहले संदेश खाली में हुआ था ईडी के संग, वही का वही वो फिर दोहराया गया और अब की बार वापस एक चीज देखा गया कि पश्चिम बंगाल पुलिस निकल के नहीं आई। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसी को निशाना बनाया गया है, जिसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमला बोल रही है। जवाब में सीएम ममता देर रात हुई छापेमारी पर सवाल कर रही है। दरअसल भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 को एक घर में बम ब्लास्ट हुआ था। धमाके में 3 लोगों की जान गई थी। पिछले महीने एनआईए ने पूछताछ के लिए टीएमसी के 8 नेताओं को समन जारी किया था। समन के बाद भी जब नेताओं की पेशी नहीं हुई तो एनआईए ने छापे वाली कार्रवाई शुरू की, लेकिन छापे के साथ ही एनआईए की टीम पर पत्थरों से हमला हुआ, जिसने चुनावी माहौल के बीच बंगाल में नया सियासी संग्राम छेड़ दिया। मेदिनीपुर ईस्ट से राजेश शाह के साथ सुरेगिन रॉय, कोलकाता आज तक। मुद्दों का मैदान, शराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी? न्याय की ठनी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।